बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत छोटकी खड़गडीहा से लेकर बनहती और फफूंदी से लेकर टोल टैक्स तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जर्जर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है, वहीं आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। लोगों के पास आने जाने के लिए कोई दूसरा बाईपास रास्ता नहीं है, जिससे लोगों को काफी दूर पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं कुमारी अनुराधा वर्मा ने कही कि हम लोग गाड़ी बुक कर 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे, लेकिन काफी दूरी पहले ही उतर जाना पड़ा। कहे कि यहाँ के ठेकेदार द्वारा आवाजाही के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं रखा गया है और यह कार्य अभी कई महीनों तक चलने वाला है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कत होने वाला है। वहीं साइड इंचार्ज ने कहा कि प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर भाजपा नेता मित नारायण वर्मा ने कहा कि सड़क और पुलिया निर्माण में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। उपयुक्त मात्रा में सीमेंट नहीं दिया जा रहा है और ना ही जितना मोटा ढलाई होना चाहिए उतना हो पा रहा है। हमारा वो जो बाईपास खराब हो गया कलवट का, वो बाईपास बरसात के कारण में खराब हो गया। हम ऑलरेडी जेसीबी भेज दिया, वो जितना जल्दी हो सके हम ठीक कर देंगे। और जो शिकायत आ रहा है वो हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरा टाइम वो नहीं आएगा, हम सुधार देंगे सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोमनाथ बनर्जी। क्या आपका पद है इसमें जो आप इस कार्य करवा रहे हैं, इसमें क्या पद आपका है? हाँ, मैं ये पूरा साइट के इंचार्ज है, सोमनाथ बनर्जी हमारा नाम है। साइट इंचार्ज है ना? हाँ, इंजीनियर है, ग्रेजुएट इंजीनियर जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ये रोड कब तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए? 2024 दिसंबर तक। धन्यवाद सर। नाम हुआ? मेरा नाम सुनीता देवी। आप लोग पैदल क्यों आ रहे हैं फिलहाल यहाँ पर? पैदल आने, मेरा ऑटो वहीं खड़े हो गए, इसलिए पुल टूटल है। पुल ये सही था? पुल मर तोड़ कर बनाया जा रहा है, ये जो बन रहा है ना, इसलिए ऑटो नहीं आ पाया। क्या ये जो पहले जो पुल था वो टूटा हुआ था क्या? नहीं, वो अच्छा भी था। अच्छा था, उसके बाद भी विभाग के द्वारा इसको तोड़ कर बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे लापरवाही, मतलब जो ठेकेदार है वो लापरवाह बन करके इसको कमाने के लिए एक जरिया बना लिया ना। बना लिया। पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में, परेशानी भी बढ़ रहा है। बता दें कि आपको जैसे पुल का जो काम चल रहा है तो दूसरा कोई रास्ता दिया हुआ है क्या, जिसे आप लोग गुजर सकते हैं? नहीं दिया तो नहीं, इसलिए बगल में तालाब भी है, तालाब है, इधर कचरा भी है, गड्ढा भी है। अगर चाहता तो उसमें मिट्टी डाल के गाड़ी निकल सकता था। गाड़ी नहीं रुकता वहाँ जी। धन्यवाद जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमारी अनुराधा वर्मा हुआ। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग क्लस्टर में, हम लोग का आज इसी वन मीटिंग था और 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी था, जिसके वजह से हम लोग जा रहे थे। और बीच में ही हम लोग को 3 किलोमीटर दूरी पहले ही हम लोग को उतर जाना पड़ा गाड़ी से, हम लोग गाड़ी बुक भी किया। क्या वजह हो सकती है, क्यों? वजह ये है कि यहाँ पे पुलिया निर्माण हो रहा है और उसके लिए तत्कालीन कोई रास्ता भी नहीं है, जिसके वजह से हम लोग को 3 किलोमीटर पीछे ही उतर जाना पड़ा। गाड़ी को भी हम लोग भाड़ा दिए लेकिन पैदल चलना पड़ रहा है इतना भारी धूप में। अगर बात करें अगर बाईपास रोड होने की, तो अभी क्या बहुत मजबूरी हो रहा है लोग को बता रहे थे जैसे? रोड तो है ही नहीं, तो अगर बाईपास भी रहता साइड से जाने के लिए तो हम लोग को पैदल नहीं चलना पड़ता, अभी इतना धूप में हम लोग को जाना पड़ता। ट्रेनिंग के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्टिंग की आवश्यकता हो तो क्या संभव हो पाएगी रास्ता से? हाँ, हो सकती थी, लेकिन ये जो टेंडर लिए हुए हैं ठेकेदार, वो तो कुछ भी वैसा हम लोग के लिए नहीं किए हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग या तो पैदल जाना के लिए भी, आवाजाही के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। क्या मांग करते हैं अपेक्षा आपकी? हम लोग चाहेंगे कि वो जो है सो तत्कालीन, अभी तो ये तुरंत काम पूरा होने वाला है नहीं, ये तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो इसके लिए हम लोग को कोई रास्ता निकाला जाए अभी फिलहाल के लिए। कितने गांव ऐसे वंचित है जहाँ की अभी वाहन नहीं जा पा रही है? फाल्गुनी सिंह, यहाँ जो पुल बन रहा है क्या सही से बन रहा है? हम तो बोले, हम आए बोला कि मसाला नाप के मिलाते ना, बल हम लोग का अंदाज है, हम लोग एकदम कड़ा मसाला दे, कड़ा मसाला दे रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है ये जो पुल का निर्माण है सही पूर्वक हो रहा है? अरे गिरता, पुल सही से काम चल रहा है? हमारा तो लगता कि नहीं, तो काम तो सही नहीं हो रहा है। काम सही नहीं हो रहा है, क्या इस पर जांच होना चाहिए? एकदम जांच होना चाहिए। और ये बता दीजिए जो पीछे जो पुल काम चल रहा है उसका बाईपास रोड नहीं देने के कारण काफी गाड़ी फंस जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे?
ना तो उसको रोड बनाना चाहिए ना, गाड़ी फंस जा रही है तो उसको पहले रोड बनाना चाहिए। देखो बाईपास रोड होना चाहिए ना, अगर रोड को हम तोड़ते हैं काटते हैं फाड़ते हैं उससे पहले एक रास्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। और बता दें जो वहाँ पर पुल जो बन रहा है वह पुल पहले मजबूत भी था ना, काफी अच्छा था, उसके बाद भी तोड़ा गया। आखिर क्या वजह हो सकता है? माना कहने मतलब उसको हम लोग देखे कि लंबाई कम था, इसीलिए हम लोग सोचे कि लंबाई अब लंबाई हो चौड़ाई हो जाता, मगर जो कार्य हो रहा है उतना ही लंबाई उतना ही चौड़ाई में हो रहा है। नहीं वो वहाँ चौड़ाई होगा ना? नहीं उतना और कम, और कम तम? तब कैसे हम सोचे कि ये गलत है या सही है? नहीं ये गलत, ये पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। धन्यवाद। ये फुफंदी टूटी चाल जो रोड है कितनी लंबी रोड है? ये रोड 8 किलोमीटर के लगभग है। 8 किलोमीटर की क्या कार्य के फुफंदी का ये रोड है जी। ये रोड जो सब आपसे जर्जर था काफी, हम लोग इसके लिए प्रयास किए है ना कराने के लिए, और छोटकी खरडिया टू बनाती रोड जो है दोनों किए, लेकिन सरकार की मंजूरी तो मिल गया, लेकिन ये कार्य जो किया जा रहा है घटिया किस्म का किया जा रहा है, नेपापोती का कार्य किया जा रहा है, इसमें जो है गुणवत्ता जो है कुछ है ना, सीमेंट की मात्रा कम है, बीच में बोल्डर दिया जा रहा है ना। ये आरियो से बन रहा है कि प्रधानमंत्री से? आरियो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, योजना के तहत आरियो को बना रही है। तो इसमें जो ये कितनी इंची ढलाई कर रही है लगभग? ये ढलाई हम लोग का एस्टिमेट अगर कुछ मालूम है ये नहीं, हम लोग जानकारी देता है अभी। आप जब अभी जैसे भी किए लेकिन वो जो बतेबिन करते हैं अभी जीरो पर क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ पर? ये हम तो देख रहे हैं कि जो है 4 इंची 3.5 इंची का ढलिया किया जा रहा है, और स्पष्ट में आप सामने में भी देख लीजिए नापी करके जी, बीच में बोल्डर भर के ऊंचा किया जा रहा है जो है ना, और मात्रा सीमेंट का मात्रा बहुत कम है, और ये घटिया किस्म का काम किया जा रहा है। चलिए दादा हम क्या बताएं, ये क्या मतलब कार्य जा रहा है, ये जो है ना साल भर नहीं चलेगा, रोड टूट जाएगा फिर। इसी रोड में जो है जी 40 टन लेकर के हेवा गाड़ी बराबर निकलती है, और वो वहाँ जो उसमें भी देखने वाला कोई नहीं होता है। धन्यवाद। हम पूछे जाए सही दिन तो अभी ये इसमें जो है 10 टन का ये रोड बन रहा है, 10 टन का, 10 टन का, और जबकि इसमें 40 टन लग के इस रोड में निकलती है। अजी मुझे रहेगा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो सीमेंट की जो मिलावटी है कितनी मात्रा में मिलाई जा रहा है? ये मात्रा जी? ये मात्रा अब देखिए 4 टीन जो है सो बालू दिया जा रहा है, 5 टीन गिट्टी दिया जा रहा है ना, और 1 टीन सीमेंट दिया जा रहा है। तो इसकी गुणवत्ता कब तक चलेगी ये लगता है? गुणवत्ता कुछ दिन के लिए, ये सिर्फ सरकार को धूल झोंकने वाले का काम किया, और ये केंद्र का पैसा जो है ये जनता की पैसा है, और ये जो है पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, बंदर बाट हो रहा है उपरे में। धन्यवाद।